बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। आपको बता दें बड़ी खबर जो आ रही है, यहां एनसीपी नेता की बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लॉरेंस गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने की पोस्ट करने वाले शुभम सोनकर नाम के युवक के भाई प्रवीण को पुणे से अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शुभम सोनकर के भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुभम सोनकर वही शख्स है जिसने हत्या की जिम्मेदारी लेने का पोस्ट किया था। इसके भाई प्रवीण को पुणे से अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 आरोपी फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा का गुरमेल, यूपी के धर्मराज और पुणे से प्रवीण सोनकर हैं। ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा, यूपी और पुणे के ये रहने वाले हैं। यहाँ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी तीन आरोपियों की तलाश अभी जारी है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें ये बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। लॉरेंस गैंग द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई थी इस हत्याकांड की, जिसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें जिम्मेदारी लेने की पोस्ट करने वाले शुभम सोनकर के भाई प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें फरार तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा के गुरमेल, यूपी का धर्मराज और पुणे से प्रवीण सोनकर है। ये 3 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों के अलावा यूपी के शिव, पंजाब के जीशान अख्तर और शुभम सोनकर की तलाश जारी है। ये बता दें आपको, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है, जहां तीसरे हत्यारे की भी गिरफ्तारी हो गई है। हत्या की जिम्मेदारी की पोस्ट करने वाला शुभम सोनकर के भाई प्रवीण की गिरफ्तारी पुणे से कर ली गई है। आपको बता दें बड़ी खबर जो आ रही है।